हुई बात नहीं बता रहे, आंखों से देखी हुई बात आपको बता रहे हैं। हमारे महाराज जी के पास एक महात्मा रहते थे, उनका नाम तो था श्री ब्रजमोहन दास जी, पर उनके कई नाम प्रसिद्ध थे। हमारे महाराज जी उनको कहते थे मनसुख लाल, क्यों ऐसे काम करते थे कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं। रामायण जी महाराज, महाराज जी सब उनको मनसुख लाल कहते थे। और श्री सुदामा दास जी महाराज उनको सतयुग बाबा कहते थे, उनकी उम्र का कोई पता ही नहीं था कितनी उम्र है उनकी। अरे वो बहुत पुराने महात्मा हैं, सतयुग बाबा कहते थे उनको। और ब्रजवासी उनको कहते थे कलयुग बाबा, मोहल्ले में लोग सब कलयुग बाबा कहते थे, और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज उनको सतयुग बाबा कहते थे, हमारे महाराज जी उनको मनसुख लाल जी कहते थे, हम लोग मनसुख लाल जी बोलते थे उनको। और उम्र भी बहुत थी उनकी, छोटे कद के थे, दुबला पतला शरीर, खुद जितने बड़े उससे एक डेढ़ हाथ ऊंची लठिया रखते थे, अपने से कम डेढ़ दो हाथ बड़ी लठिया। थोड़े अस्वस्थ हुए तो उनको ले गए रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, पर्चा बनेगा बाबा जी की खांसी नहीं जा रही है। एक रामकृष्ण मिशन के मुख्य स्वामी जी थे, शक्ति स्वामी जी, बंगाली थे। ए बाबा तेरा उम्र क्या है, लिख बता उम्र क्या है। बोले ने मानो जब हम वृंदावन आए थे, ने मानो तब बिरला मंदिर की नींव खुद रही थी, ने मानो, ऐसे बोलते थे। और बिरला मंदिर की नींव खुद रही थी, कोई संसम्मत, हमें क्या पता बिरला मंदिर की नींव कब खुद रही थी। अब बिरला मंदिर की नींव तब खुद रही थी जब अंग्रेजी जमाना था, बहुत पुरानी बात है, शायद 100 वर्ष तो बिरला मंदिर को हो गए होंगे। नहीं मानो तब वहां की नींव खुद रही थी। कितनी उम्र थी? बोले नहीं मानो हम तो कहाँ कहाँ से आए थे, नहीं मानो इतने मिल के होंगे, ऐसे उनको कुछ ध्यान भी नहीं था। तो बोले कितना लिख दें, 90 लिख दें कि 100 लिख दें। बोले तुम्हारी जितनी इच्छा उतनी लिख दो, हमें क्या पता कितनी उम्र है, तुम्हारी जो इच्छा हो उतनी उम्र लिख दो पर्चा में। ऐसे महात्मा थे, विलक्षण संत थे। वो भी एक दिन में कई बार, मेरे सामने की बात है, एक दिन में सवेरे महाराज जी को कहा उन्होंने कि हम जा रहे हैं परिक्रमा देने, और पैदल वहां से निकले मथुरा। जन्मभूमि होते हुए गए द्वारकाधीश, विश्राम घाट पे आचमन लिया, द्वारकाधीश का दर्शन किया, पैदल पैदल आए भूतेश्वर, भूतेश्वर दर्शन किया, फिर पैदल चले गए गिरिराज जी रोड़ी रोड, और गिरिराज जी की परिक्रमा दी, पैदल चले गए नंदगांव, नंदगांव की परिक्रमा दी, पैदल चले गए बरसाना, बरसाना की परिक्रमा दी, और फिर वहां से आ गए, फिर कोसी आ गए, और कोसी वाले रोड को पकड़ के फिर छठी करा होके फिर वृंदावन। एक दिन में सवेरे गए शाम को आगे, लोग झूठ मानते थे तो कहते थे वहां अमुक व्यक्ति से मिले उनसे पूछ लो, वहां हमने चाय पी उससे पूछ लो, वहां हमने प्रसाद पाया उनसे पूछ लो। और पता करने पर पता लगता कि हाँ हाँ बाबा आए थे, कल जो बाबा आए थे, यहाँ मंगला में थे, यहाँ श्रृंगार में थे, यहाँ राजभोग आरती में थे। मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करेगी, इतनी यात्रा कोई कैसे कर सकता है। एक बार हम मानसरोवर गए, मानसरोवर वो कैलाश मानसरोवर नहीं, हमारे ब्रज में मानसरोवर है, राधा रानी मानसरोवर। एक ब्राह्मण देवता थे श्री बालक राम जी द्विवेदी, कान्यकुब्ज थे, पहले अधिकारी थे बड़े, रिटायर्ड हो गए थे, बहुत अच्छे भजन आनंदी थे, गायत्री का बहुत जप करते थे। तो उनका वृद्ध थे तो पैर में भी एक तकलीफ थी उनके, महाराज जी ने कहा इनको वहां दर्शन करा लाओ, प्रतिपदा है, छुट्टी है, तुम करा लाओ मानसरोवर दर्शन का, ठीक। यहाँ से उनको हम ले गए, और वहां जाते जाते बोले हमारे तो घुटने में बहुत दर्द हो रहा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहे, वहां कोई साधन भी नहीं, पैदल ही लौट के आना। तो दोपहर में भूख लग रही बहुत तेज,
तब तक हमने देखा वो मनसुख लाल जी, गर्मी का समय था, एक सुराही हाथ में पानी की और एक बाल्टी में सुराही रखे और उस बाल्टी हाथ में लिए और उसी में शक्कर और उसी में दशहरी आम, बढ़िया भाई आ गए कि कैसे। अरे बोले इनके पैर में दर्द हो रहा और तुम्हें भूख लग रही होगी, ये तो बुढ़े हैं, मरे चाहे जिए। और बोले हम तुम्हारी चिंता हुई तो हमने कहा चलो पंडित जी को अमरस पिला के आए। तुरंत उन्होंने मानसरोवर के जल में आम धोए, बातचीत करते करते अमरस बना दिया, बना के जाओ राधा रानी पी लो अमरस, ऐसी पिला करके। और उनको हमको खूब पिलाया झिक के, और उनको भी पिलाया पंडित जी को, द्विवेदी जी को। और हमने कहा कि बाबा आप भी पी लो। नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं मानो तुम्हें पिलाने आए, हम थोड़ी, हम तो पंगत जाके करेंगे। उनके अब तो पंगत हो जाएगी जब तक। बोले अभी पहुंचे, उन्होंने सुराही उठाई और चल दिए। अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमने एक दरी थी उसको उठार के झाड़ा, इतने में ही कम से कम एक डेढ़ किलोमीटर पहुंच गए। आंखों से देखी घटना बता रहा हूं। हमने यहां दरी झाड़ी, छोटी दरी थी उसको झाड़ा, और उधर दूर वो ऐसे 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 चलते हुए दिखाई पड़े। आंखों से देखा, हमको लगता था धरती पर पैर नहीं थे उनके, और इस गति से आए तो हमको ऐसा लगा कि 5 मिनट में ही तो वो आ गए होंगे, 5 मिनट में ही पहुंच गए होंगे। मैंने ये घटना महाराज जी को सुनाई, मैंने आंखों से देखा। महाराज जी गदगद हो गए, बोले सिद्ध पुरुष हैं, सब लोग पहचानते नहीं है, ये तो जहां चाहे वहां अपने संकल्प की शक्ति से जा सकते, हनुमान जी के सेवक हैं, मनोजवम मारुतुल्य वेगम, क्या है, चले गए। योग बल होता है, योग बल से कहीं जाया जा सकता है, संकल्प में बल होता है,